गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम नौकार इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 12 विस्टास बुक, सप्लीमेंट्री बुक, चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। इसको जो राइटर है कल्कि है। तो यहाँ पर बात की है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंपुरम, प्रतिबंपुरम के जो महाराजा थे, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में ये प्रतिमापुरम के जो महाराज है वो एक हीरो की तरह है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमादार जनरल, खिलेदार मजर, सत्ता व्याग्र समहरी, फिर महाराजा धीराज, वसवा भूना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग महाबहादुर, MAD ACTC और CRC के। ये सब अलग अलग उसके नाम थे। तो ये सब लोग जो प्रतिबंपुरम में लोग रहते थे, तो उनका जो किंग था उसको ये सब अलग अलग नाम से उनको बुलाते थे। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग। लेकिन शॉर्ट में इन सब का शॉर्ट में एक नाम था, द टाइगर किंग। यानी सब वहाँ के जो किंग थे उनको वहाँ की जो प्रजा थी वो टाइगर किंग के नाम से जानती थी और टाइगर किंग नाम से उनको बुलाती थी। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू नो एज अ टाइगर किंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको सब लोग टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते थे। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू अवॉइड ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। तो आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको प्रिटेंडिंग यानी ऐसा ढोंग करूं कि मैं उसकी ओनली गलत झूठी झूठी तारीफ करूं, उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलूं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी टू ट्रैक। तो ये स्टुका बॉम्बर यानी इन शॉर्ट ये एक ऐसा प्लेन है जो क्या करता है, डायरेक्ट बॉम्ब फेंकता है। तो यहाँ जो किंग था वो इतना बहादुर था कि स्टुका बॉम्बर भी उनको कुछ भी कर सकता नहीं था। यानी ये किंग की बहादुरी की बात की कि ये जो किंग था इतना बहादुर था कि स्टुका बॉम्बर भी उनका कुछ भी नुकसान कर सकता नहीं था। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट हास्टी रिट्रेट फ्रॉम माय स्टोरी। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है, तो ये स्टोरी में ये किंग की बहादुरी के बारे में, उनकी महानता के बारे में पूरा दिया है। राइट एट द स्टार्ट, चलो आपको मैं स्टार्टिंग में बताऊँ कि इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर टू विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो ये टाइगर किंग के बारे में मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, सब मैटर बताता हूँ कहाँ से, राइट एट द स्टार्ट में, स्टार्टिंग से। क्योंकि पहले अगर बीच में से कुछ बताऊँगा आपको पता चले नहीं चले, लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ अ इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। कोई भी इंसान अगर उसके बारे में जानता है तो उसकी डिज़ायर हो जाएगी, उसकी इच्छा होगी कि मैं वो इंसान को फेस टू फेस क्या करूँ, देखूँ। किसको? ये किंग को, कि जो बहुत ही बहादुर था। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अभी कोई भी किसी की भी ये जो इच्छा है वो फुलफिल नहीं होगी। क्यों? कि एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोड टू ऑल लिविंग क्रिएचर। क्योंकि ये जो टाइगर किंग था वो वहाँ पहुँच गया था कि जहाँ पर लिविंग क्रिएचर जा सकते नहीं, यानी वो मर गया था। ओके, इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज़ डेड। दूसरे वर्ड में बोले तो टाइगर किंग क्या हो गया था, मर गया था। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसके जो मरने की जो मैटर है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कोई भी इंसान सुनेगा तो उसको पता लगेगा। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। वो मरा किस तरह से वो आपको एंड ऑफ द टेल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न। तो सबसे पहले अगर आपको उसके बारे में जानना है तो स्टार्टिंग से सुनते हैं, तो आपको लास्ट में ये भी पता चलेगा कि वो किस तरह से मरा। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग बात की जब उनका जन्म हुआ था, तब एस्ट्रोनोमर हैव फोरटोल, जो एस्ट्रोनोमर थे उन्होंने फोरटोल यानी आगाही की दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ओके, क्या आगाही की कि भाई एक दिन ये टाइगर किंग क्या हो जाएगा, मर जाएगा।
द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वेरियर टू वेरियर, हीरो टू हीरो, चैम्पियन टू चैम्पियन, बट दे बीट देयर लिप्स एंड स्ट्रगल हार्ड। तो पहले उन्होंने सब बताया कि ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर वेरियर ऑफ वेरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरो बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनेगा, लेकिन उसके बाद वो बात रोक दी और अपने जो लिप्स से उसको बीट यानी जैसे अपने दांतों से दबाया और वो बोलना बंद कर दिया। ओके, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उसको बोला गया भी आप अपनी बात को कंटिन्यू रखो, द एस्ट्रोनॉमर केम आउट विथ इट, और फिर लास्ट में ये एस्ट्रोनॉमर बोले दिस इज सीक्रेट, ये सीक्रेट बात है विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, ये ऐसी सीक्रेट बात है कि सबके सामने ये बात हम बोल सकते नहीं है, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमको फोर्स किया जा रहा है कि आप बोलो, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, ये जो बच्चा है उनका जन्म इसी तरह से, यानी कोई भी बच्चे का जन्म कोई एक राशि में होता है तो कि इस तरह से राशि में हुआ है कि एक दिन ये बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। किसने बताया, ये एस्ट्रोनॉमर बताया कि एक दिन ये बच्चा क्या होगा, मर जाएगा। पहले क्या बताया कि ये जो बच्चा है वो वेरियर ऑफ वेरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरो बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनेगा, लेकिन वो फिर बात रोक देते हैं, तब सब बोलते हैं कि भाई आगे क्या, आगे कुछ बताओ आपने जो बोला उससे आगे, तो बोलता है ये बात सीक्रेट मुझे बतानी नहीं चाहिए, तो फिर भी आप फोर्स कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बच्चा है जो एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरह से एस्ट्रोनॉमर ने ये सबके सामने डिक्लेयर किया कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा। ओके, अभी आपको पता है जनरली जो इंसान जन्म लेता है वो एक दिन मरना होता ही है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा कहकर जैसे बहुत ही दुख व्यक्त किया कि जैसे कि वो बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है वो मरना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि भी एक दिन ये बच्चा मर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।